ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी, उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ, हजारों लाखों सिख हुआ और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए। एंड लेकिन सर, ये सब होने के बाद व्हाट डिड वी रिसीव पोस्ट इंडिपेंडेंस? ऑल काइंड्स ऑफ अट्रोसिटीज बाय द स्टेट। हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी देश को आजाद करने के लिए, कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए। हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स। हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे सब, प्लीज अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं, अब तो आज टाइम दे दीजिए। बिल पर बोले इतना तक मैं आ रही हूँ उसमें सर, मैं अट्रोसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है। उसके बाद सर, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या कैसे हुआ? वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे जब वहाँ टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहाँ पे श्रद्धालु थे उनके कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है, ये कांग्रेस की देन। आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहां इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिल हो गया? और सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ, कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई, और इसी तरह पंजाब में जब हजारे नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपी लगा के, ऐसे ऐसे कानून लगा के, जब उनको एक पूरी जवानी, अब यहाँ पे वो बिट्टू नहीं है कांग्रेस के एमपी साहब, उनके जो दादाजी थे, पूरा बेअंत सिंह ने एक पूरी पीढ़ी सिखों की खत्म कर दी ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर्स करके, फेक एनकाउंटर्स। आज तक हजारों लाखों नौजवान लापता, पता ही नहीं लगा कहाँ गए फेक एनकाउंटर्स में, क्योंकि पुलिस के पास अनबिल्डेड पास थे। तो इस तरह के विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस बाहर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये हमें पंजाबियों में देखा। और सर जब ऐसे हालात थे, जब नौजवानों को मारा जा रहा था पुलिस से, कल क्यों आपको हैरानी होगी, कल की कहानी, एक ऐसी लेडी 19 साल की, उसके हस्बैंड को उठा के मार दिया पुलिस एनकाउंटर में, और अब कितने 30-40 साल बाद आज थानेदार से लेके डीजीपी तक, आईजी तक, सबको पुलिस ने, अब जाके अदालतों ने उसको इंसाफ दिया, क्योंकि फेक एनकाउंटर था, फैब्रिकेटेड था, उसको एक टेररिस्ट बना के उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये तो लाखों हजारों से हर घर की कहानी थी पंजाब में 80 के दहाकों में। और सर जब ऐसा माहौल था, जब नौजवान मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो हमारे सब सिर्फ कुछ सुझाव कुछ देना चाहती हैं जी सर, मैं उसी पे आ रही हूँ सर, उसी पे मैं कहना चाहती हूँ, जब ऐसे का माहौल पूरे पंजाब में 10-12 साल चल रहा था, तो कुछ नौजवान, अब इधर ही इस हाउस में आपने देखा, कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया, क्या कह रहे थे वो नौजवान कि हमने अपनी बेरोजगारी मणिपुर या फार्मर्स के बारे, तो नौजवान अपने भावनाओं में बह के उस समय उन्होंने कुछ कदम उठाए। 25-25 साल के नौजवान थे, हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के, भाई राजुआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए, ते हुन सारिया नू 28-28 30-30 35-35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने सर। वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वेयर इन लीगल प्रूडेंस डज इट से दैट यू कैन जस्ट बी इम्प्रिजन्ड फॉरएवर? एनी आपको कोई इंसाफ ना मिले, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है सर। एक मिनट, पांच मिनट सर। सर हियर आई वांट टू से दैट इन द मर्सी पिटीशन, जो आपने मर्सी पिटीशन के बारे में कहा है,
सर फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई राजुआना यू मस्ट नो सर 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया कोई कंस्पिरेसी करी 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell for 12 years his mercy petition is pending no decision is being taken the court tells the government to take a decision the government doesn't take any decision and now the new law says besides his family nobody can apply for it also if the person has no family sir unke maa baap je mar gaye to kaun karega ye kahan se aap ye leke aa rahe ho aur 12 saal ko iska faisla na ho to isse badi beinsafi kya ho sakti hai जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मसीह पिटीशन वाला जी, तो आई वुड अपील टू यू सर जो 8x8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे उनको बाई लॉ लीगली अपने तरीके से उनको परोल भी मिल गया वो अपने घर पे भी रह रहे हैं अदालत ने उनको घर भेज दिया राजीव गांधी के किलर भेज दिए तो जब वो उनको कोई सोसाइटी रहे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं गुड कंडक्ट उनके उनके प्रिजन में रहा तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता सर जस्ट 2 मिनट्स मोर सर गुरु साहब के साढ़े 500 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि व्हेन रिमिशन हैज बीन ग्रांटेड व्हेन दिस प्रिजनर्स आर गोइंग टू बी सेट फ्री व्हिच यू प्रॉमिस्ड इन 2019 आज तक नहीं हुआ बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज किसी को भी टेररिस्ट 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है देश में भी देख रहे हैं किसी को भी टेररिस्ट आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिखी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते श्री रमेश विदुड़ी जी सो सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह है और जो ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो